मेरे अंकल का पीएनबी में अकाउंट है और हो सकता है कि मुझे कहना पड़ जाए कि मेरे अंकल का पीएनबी में अकाउंट था। अच्छा, आप लोगों को पीएनबी का फुल फॉर्म पता है? पंजाब नेशनल बैंक। नहीं, ये नाम था कभी, नए नाम का बोर्ड बनकर आया नहीं है। फिर भी मैं आज आप लोगों को नया नाम बताना चाहूंगा, पैसा नहीं है बे। सच में यार, यही वाला नया नाम है। आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली एक बहुत ही टॉप सीक्रेट की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग को सारे प्रोफेशनल लोगों ने अटेंड किया, सारे प्रोफेशनल लोगों ने। और ये प्रोफेशनल कौन थे, कोई आइडिया? चोर, जेब कतरे, एटीएम लूटने वाले, कैशवैन लूटने वाले, और इन सब का सीनियर जिन्होंने कभी एक का दुक्का बैंक की तिजोरी में हाथ डाला। चर्चा बस एक बात पे हुई कि हमारी जिंदगी बीत गई यही प्लान करने में कि कभी किसी बैंक का कोई एक ब्रांच लूट सकूं। यहां एक बंदा सबकी नजरों के सामने पूरा का पूरा बैंक लूट कर चला गया। कैसे, कोई आइडिया? किसी ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, तो किसी ने कहा कि उसके नाम में मोदी है। अब जो बात सबको कन्विंसिंग लगी हो यही कि इसके नाम में ही मोदी है। सारे सीनियर लुटेरों की सहमति से बात यही निकली कि अपना लीडर भी कोई मोदी जैसा होना चाहिए। फिर एक बंदे ने टेबल पे खड़े होकर हाथ उठाकर कहा कि भैया यहां पे कोई मोदी नाम का बंदा है क्या? दूर, बहुत दूर एक बंदे ने हाथ उठाई, लोगों ने उसे अपने कंधे पे उठाया और लात पटक दिया सारे सीनियर लुटेरों के सामने। जश्न का माहौल बना। नागिन डांस से जो डांस शुरू हुई वो कल्लू मामा की गलियों से होते हुए शीला की जवानी तक चली। बस सिर्फ वो नया लीडर जिसका सरनेम मोदी था वो परेशान था। वो क्यों परेशान था ये क्लाइमेक्स है, आखिरी में बताऊंगा। ये सब होने के बाद अब बारी थी नए लीडर की स्पीच की। सारे चोर पॉकेट मार एक्साइटेड था कि अपना नया लीडर कुछ तो बताएगा, अपने को नया रास्ता दिखाएगा। फिर तभी एक अंदर से आवाज आई, मित्रों। क्या 5 मिनट तक सब पागल, जियो हो नीरव के लाला, जियो तू 1000 साला। हाँ, तनी लूटी के 2-4 बैंक लाभ हो भैया। हाँ, विदेश में छुपे के जुगाड़ लगा रहे भैया। इसी तरह के गानों पे डांस होता रहा, मतलब खुशी से सब पागल हो गए थे। सबको लगा कि ये बंदा सही है। फिर एक आवाज आई, मित्रों। फिर 5 मिनट तक जश्न, बस वही नीरव, जिया हो नीरव के लाला, वही डांस फिर से कंटिन्यू। तब ये नया मोदी अपनी चिर परिचित पुराने मोदी जी के अंदाज में अपना भाषण शुरू किया। अब हमारे भाई बंधु किसी से उधार नहीं लेंगे, एटीएम से 100 के नोट सिर्फ 4 नहीं लेंगे, लोन पे घर या कार नहीं लेंगे। और मैं आप लोगों को आज इस मंच से आश्वासन देता हूं कि जो हम लेंगे वो हमसे ये सरकार नहीं लेंगे। भीड़ से आवाज आई, सर क्या क्या लेंगे हम? सर बताइए ना, क्या लेंगे हम सर? फिर एक ने कहा कि सर आप तो बहुत ज्ञानी हो, हाँ सर कुछ नया कीजिए, सर कोशिश कीजिए कि सर हम SBI को लूट सके सर। नया मोदी ओवर एक्साइटेड हो गया था और इसकी ओवर एक्साइटमेंट में ये फंसता चला गया। इसने कहा नहीं, हम SBI नहीं FDI लूटेंगे। अब फिर एक बंदे ने कहा कि सर FDI कैसे लूटेंगे सर? अब इसे लगा कि ये अपनी बातों में फंसा जा रहा है।
बंदा सुधार करने की कोशिश में था लेकिन और बिगाड़ लिया। इसने कहा ठीक है एफडीआई छोड़ देते हैं, आरबीआई लूटेंगे। ये अंदाज देखकर अब सारे जेब कतरों का एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो गया था। ये क्या अनाप शनाप बक रहा है बे? फिर भीड़ से आवाज आई कि सर आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं सर, आप अपने नाम की तरह अपने आप को प्रेजेंट कीजिए ना सर। इस मोदी के सर से पसीना आना शुरू हो गया, बंदा डर गया था। उसने फिर से एक बार उसी चिरपरिचित अंदाज में कहा मित्रों, इस बार कोई एक्साइटेड नहीं था। बैंक लूट चुके जो सीनियर थे उन्हें लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है। इस एक सीनियर ने पूछा कि सर नाम बताइएगा अपना। इन्होंने जवाब दिया मोदी नाम है मेरा। फिर सीनियर ने पूछा कि पूरा फुल नेम बताइएगा अपना। अब जो मैं बताने जा रहा हूं दरअसल ये क्लाइमेक्स है। इन्होंने कहा राहुल, जी हाँ वही राहुल मोदी। अब इसका जो हुआ वो आप सब ज्ञानी हैं। बस SBI बचे। इस बात की खुशी में लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। बैंक में FD भी कीजिए, लोन भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश को चलाने के लिए एक मोदी ही काफी है। थैंक यू।